हेलो एंड नमस्कार 90.4 एफएम पर मैं हूं आपका अपना मित्र आरजे अमित, और हर हफ्ते की तरह इस बार भी लेकर आया हूं मैं आपके लिए प्रोग्राम जिसका नाम है खास मुलाकात। और दोस्तों, इस प्रोग्राम में हमारे साथ जुड़ती हैं जानी मानी हस्तियां और खास शख्सियतें, तो इसी प्रक्रिया को जारी रखते हुए आज हमने इन्वाइट किया है हाल ही में रिलीज हुई फिल्म माचिस है क्या के डायरेक्टर सुशील मेहता जी को। आपने सुना होगा और YouTube पे देखा भी होगा उसका हाल ही में ट्रेलर, और साथ में फिल्म आई है, शॉर्ट फिल्म माचिस है क्या। माचिस है क्या, माचिस उसको अवार्ड मिले इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल शिमला में, तो चर्चा करेंगे हम उस बारे में भी। और स्वागत करते हैं हम उस फिल्म के डायरेक्टर सुशील मेहता जी का। सर, आपका 90.4 एफएम पर बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच अमित जी, आपने फिर से इनवाइट किया है आपके कम्युनिटी रेडियो पे 90.4 पे, और एक बहुत ही खास बात है क्योंकि जब फिल्म रिलीज पर ट्रेलर भी हमने रिलीज नहीं किया था तो आप ही के प्रोग्राम में से हमें हमारी ऑडियंस को मालूम पड़ा था कि हमारी जो फिल्म है माचिस है क्या के बारे में, और इसके लिए मैं फिर आगे आपसे शेयर करना चाहूँगा। तो हाँ बिल्कुल, अभी 20 नवंबर को 2015 को हमारी जो फिल्म है, जो हमारा एक प्रोडक्शन का इन हाउस प्रोजेक्ट था माचिस है क्या, तो वो रिलीज हुआ है। और उसको सबसे पहले जो हमारे यहाँ पे लोकल हिमाचल केबल नेटवर्क है वहाँ पे सुबह 11 से शाम के 11 बजे तक का प्रोग्राम उसका चला था रिपीट टेलीकास्ट में, और 20 नवंबर को ही शाम के समय पे हमारे ऑफिशियल चैनल पे वृहत एंटरटेनमेंट्स पे यूट्यूब चैनल पे वो हमने फिल्म रिलीज की थी, और बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स जो है हमारे व्यूअर्स से हमें मिल रहा है। मैंने तो जिंदगी की सिगरेट माचिस न मिलने पर फेंक दी। माचिस, एक आदत माचिस, दिल में उम्मीद की लौ जगाने के लिए एक चिंगारी ही काफी थी। हालात से लड़ने का जज्बा जगाने के लिए बस एक चिंगारी ही काफी थी उस खूबसूरत जिंदगी को जन्नत बनाने के लिए। पर अब देर हो चुकी है, मेरा तो बस यही हश्र, यही सफर है जो रोज तय करना है मुझे, पता नहीं कब तक। लेकिन हाँ, कभी आपकी उम्मीद की लौ बुझ जाए और कोई चिंगारी ना मिले तो घर से बाहर निकलना दोस्त और पूछना माचिस है क्या, कहीं ना कहीं जरूर मिलेगी। काफी मैसेजेस आ रहे हैं, काफी इनबॉक्स आ रहा है, व्हाट्सएप मैसेजेस हैं, और काफी चीजें कही जा रही हैं, लोगों को बहुत पसंद आ रही है, तो बहुत ही अच्छा हमें ये लग रहा है। मैं अपनी बात करूं तो मुझे भी इस फिल्म का बहुत बेसब्री से इंतजार था, और मैं भी काफी समय से इंतजार कर रहा था क्योंकि जब ट्रेलर लॉन्च हुआ था तो मुझे ट्रेलर बहुत पसंद आया था। उसके बाद एक जिज्ञासा मन में हुई कि ये फिल्म कैसी होगी, तो अब वो फिल्म हमें देखने को मिली तो बहुत अच्छा लगा, और उसके लिए आप बधाई की बात ना कितना। जी शुक्रिया। क्योंकि हम इस तरीके से इसे देख रहे थे क्योंकि अभी हमारा जो रिसेंट फिल्म फेस्टिवल हुआ था जी। अक्टूबर में शिमला में इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ शिमला, तो वहाँ पे हमने ये एंट्री भेजी थी, और वैसे कोई हमारी प्लानिंग इस तरीके से वैसा वाला प्लान नहीं था कि हम सिर्फ इसे फेस्टिवल में घुमाएं इस फिल्म को। और फिर भी अगर मैं बताऊँ वहाँ पे तो अच्छा हमारा एक्सपीरियंस रहा, और एज अ डायरेक्टर मेरे लिए काफ़ी एक मोरल बूस्ट करने वाली चीज़ रही है ये, हमारी फिल्म वहाँ पे बहुत ही अप्रिशिएट की गई। ये जो जिंदगी मैं जी रहा हूँ ना दोस्त, तुम सोच भी नहीं सकते। पर यार मुझे तो किसी ने कहा था कि जिंदगी बार बार मौके देती है, लेकिन हाँ मैंने उस आदमी की बात का विश्वास नहीं किया। स्टोरी स्टोरी बहुत लंबी है दोस्त। फिल्म डिवीजन ऑफ इंडिया से वहाँ पे जो थे ज्यूरी थे, स्पेशल ज्यूरी थे, फॉर्मर डायरेक्टर जनरल एफडीआई मिस्टर वीरेंद्र कुंडू,
तो काफ़ी अप्रिशिएट उन्होंने किया और पूरा ऑडियंस ने भी काफ़ी सराहा, सारे जजेस ने बहुत सराहा, और 150 के आसपास फिल्म जो हैं पार्टिसिपेट करने के लिए जिनकी एंट्रीज आई थी फेस्टिवल के लिए, तो उनके साथ में फिल्म जो है शॉर्टलिस्ट हुई थी, लगभग 15 फिल्म शॉर्टलिस्ट हुई थी फेस्टिवल के लिए, जिसमें से हमारी फिल्म जीती है। तो दो अवार्ड हमारी फिल्म को जीतने में हम कामयाब रहे हैं, एक बेस्ट डायरेक्शन फिक्शन और एक बेस्ट फिल्म स्पेशल ज्यूरी। तो ये हमारे साथ साथ हमारे लिए, हमें ये लगता है कि सोलन बेस्ड हमारी प्रोडक्शन है, सारी टीम सोलन से ही है, बिहाइंड द कैमरा, फ्रंट ऑफ द कैमरा, तो हमारे लिए एक प्राउड की बात है हमारी प्रोडक्शन के लिए, और हमें खुशी है कि हम हिमाचल के लिए ये करने में सफल रहे हैं इन सब एंट्रीज के बीच में। जी, ये बहुत अच्छी बात है और बहुत बड़ी उपलब्धि हम कह सकते हैं। तो इसमें आपने कहा कि कितनी एंट्रीज आई थी टोटल, मतलब टोटल इसमें जो एंट्री फिल्म फेस्टिवल में थी 150 से ज़्यादा एंट्रीज थी जी। इसमें हिमाचल से थी, इंडिया से थी, फॉरेन से थी, आई मीन जो एंट्रीज आई हैं इसमें ईरान से हैं, ऑस्ट्रेलिया से हैं, यूके से हैं, तो काफ़ी कंट्रीज की, क्योंकि इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल है जी, तो ऑनलाइन भी पार्टिसिपेशन उस तरीके से रहा था इसमें जी। जी हाँ, तो हम बात करेंगे आपसे और भी, लेकिन एक ब्रेक ले लेते हैं और दोस्तों को एक गीत सुना देते हैं। हमारे लिसनर्स को मैं जो डेडिकेट करना चाहूंगा गाना 90.4 रेडियो के माध्यम से, कम्युनिटी रेडियो के माध्यम से, फूलों के रंग से दिल की कलम से, तो ये वाला गाना हो जाए मेरे। क्या बात है, तो सुनते हैं 90.4 एफएम पर ये गाना और आप सुनते रहिए खास मुलाकात विद आरजे अमित। एक बार फिर से स्वागत है, मैं हूं आपका अपना दोस्त आरजे अमित और प्रोग्राम चल रहा है खास मुलाकात विद आरजे अमित 90.4 एफएम पर, और आज हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं जिनका नाम है सुशील मेहता जी। इनकी हाल ही में फिल्म आई है जिसका नाम है माचिस है क्या, और उसी फिल्म पर हम चर्चा कर रहे हैं और अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, बात करते हैं सुशील मेहता जी से। तो सर ये बताइए कि ये फिल्म कौन सी कैटेगरी में रखी गई थी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में? ये फिल्म शॉर्ट फिक्शन में थी और ओपन एंट्रीज में ये थी, तो इसके साथ कंपटीशन में काफ़ी फिल्में थी, हिमाचल से दो फिल्में, दो शॉर्ट फिल्म से आई थिंक, और इसके अलावा वेस्ट बंगाल से, मुंबई से, गुजरात से एंड बेंगलोर से, अलग अलग जगह से और फॉरेन से भी फिल्म्स जो थी इस कंपटीशन में, इस सेक्शन में पर्टिकुलर में जी। और अगर बात करें हमारे जो एक्टर्स हैं मनोज वालिया एंड मनोज शर्मा, तो उनके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। देखिए इस फिल्म में जो दो किरदार हैं, और बहुत ही मैं खुश हूँ कि क्योंकि इस स्क्रीन प्ले को जिन एक्टर्स ने परफॉर्म किया है वो बहुत बेहतर वही इस किरदार को निभा सकते थे। स्पेशली मैं बताऊँ तो जो मिस्टर मनोज वालिया हैं, ऑलरेडी वो एक प्रोफेशनल एक्टर हैं, मुंबई में सक्रिय हैं एक्टिंग में काफ़ी सालों से, लगभग 7 सालों से ज़्यादा उनको मुंबई हो चुके हैं, और काफ़ी सीरियल्स भी उन्होंने किए हैं, काफ़ी एड फिल्म उन्होंने की हैं, और इस फिल्म के लिए जो उनका एक कैरेक्टर था रवि पॉल, वो बहुत अच्छे से उन्होंने निभाया है इस किरदार को और परफॉर्म किया है। मैंने तो जिंदगी की सिगरेट माचिस न मिलने पर फेंक दी। हाँ, माचिस, एक आदत माचिस, दिल में उम्मीद की लौ जगाने के लिए एक चिंगारी ही काफी थी, हालात से लड़ने का जज्बा जगाने के लिए बस एक चिंगारी ही काफी थी उस खूबसूरत जिंदगी को जन्नत बनाने के लिए, पर अब देर हो चुकी है, मेरा तो बस यही हश्र, यही सफर है जो रोज तय करना है मुझे, पता नहीं कब तक, लेकिन हां कभी आपकी उम्मीद की लौ बुझ जाए और कोई चिंगारी ना मिले तो घर से बाहर निकलना दोस्त और पूछना माचिस है क्या, कहीं ना कहीं जरूर मिलेगी। तो उनका कैरेक्टर इसमें यह था कि वो क्योंकि दूसरे शख्स हैं वहां पे ब्रिज पे बैठे हैं, तो वो उनका अनप्रिडिक्टेबल उनको होना था उस पर्टिकुलर एक्ट के लिए,
क्योंकि वो कौन है, वो एक मार्गदर्शक है, मतलब वो एक रास्ता को दिखाने वाले हैं। मतलब आप बोल के चलें कि जो उनकी बातें हैं जो फिल्म में शुरू में वो सुनते हैं लोग, और फिल्म खत्म होने के बाद जो कंक्लूजन निकलता है, वो सब चीजें जो कनेक्ट होती है चीजें आगे जाके, तो बहुत ही खूबसूरती से उन्होंने इस कैरेक्टर को निभाया है। और जो हमारे दूसरे एक्टर हैं मिस्टर मनु शर्मा, जो कि सोलन से बिलोंग करते हैं और वो थिएटर आर्टिस्ट हैं, काफी सालों से एक्टिव हैं यहाँ पे थिएटर मंचन में, और वो एक बेहतरीन एक्टर हैं वो भी। और उन्होंने उनका जो कैरेक्टर था वो कैरेक्टर वो एक समाज में एक दुखी हुए एक इंसान का था, एक कॉरपोरेट में काम करने वाले किसी एक मिडिल क्लास फैमिली के पर्सन का उनका एक एक्ट था। क्या चाहता है एक इंसान? एक सुकून भरी जिंदगी, छोटे छोटे सपने, अपनों का साथ। हमेशा ये सब पाने के लिए भागता रहा रात दिन, पर किस्मत ने कभी साथ नहीं दिया। मैंने संजना से वादा किया था। संजना? संजना मेरी वाइफ, वादा किया था मैंने उससे कि सब ठीक हो जाएगा, पर सब कुछ खत्म हो गया। मेरा बिजनेस लॉस मेरा सब कुछ खत्म कर गया। बहुत कोशिश की मैंने कि सब कुछ ठीक हो जाए, पर सब कुछ खत्म हो गया। अब तो दम घुटता है मेरा इस दुनिया में, मुक्ति चाहता हूं मैं अब हर दर्द से। और उनको वो उस तरीके से परफॉर्म करना था जी। कि जिसमें वो ब्रेव उस तरीके से नहीं है, हालांकि जो आप सबने देखा फिल्म में, आपने भी देखी हमें जी फिल्म, वहाँ बेहतर उसको एक दर्शक के तौर पे आप आकलन कर सकते हैं। मुझे बेहद पसंद आई फिल्म। बात करेंगे इस फिल्म के बारे में और भी, लेकिन फिलहाल एक गीत सुन लेते हैं। और दोस्तों यहाँ पर एक हम गाना प्ले कर रहे हैं आपके लिए, ये खूबसूरत सा गीत सुनिए और वापस आते हैं हम। सुनते रहिए खास मुलाकात विद आरजे अमित। वेलकम बैक 90.4 एफएम पर आप सुन रहे हैं खास मुलाकात। मैं हूं आपका अपना मित्र आरजे अमित, और आज हमारे साथ खास मुलाकात में हमारे साथ मौजूद हैं हमारे आज के गेस्ट श्री सुशील मेहता। ये डायरेक्टर हैं सोलन से ही, और इनकी फिल्म आई है माचिस है क्या, उसी पर चर्चा कर रहे हैं। और अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं सुशील मेहता जी से। सर, मेरा अगला प्रश्न आपसे ये है कि माचिस है क्या, इस फिल्म को लेकर के आगे किस तरह से मतलब आप देखते हैं अभी? ये फिल्म हमारी जो प्रोडक्शन की है पहली शॉर्ट फिल्म है, और हम यहाँ सोलन बेस्ड फिल्म प्रोडक्शन हाउस है वरीहत एंटरटेनमेंट्स। तो हमारी टीम जो है, हम इस जो हमारी हिमाचल की नॉर्दर्न इंडस्ट्री है, हिमाचल की जो इंडस्ट्री के लिए हम लोग काम कर रहे हैं, क्योंकि हम लोगों का ये मानना है और हम इस चीज़ के लिए पूरी तरीके से कैपेबल भी हैं और तैयार भी हैं, कि हमें सिर्फ ये है कि इस जो इंडस्ट्री के अंदर में हमारे जितने अच्छे लोग काम कर रहे हैं, तो हमें ज़रूरत है एक इकट्ठा होकर एक कंबाइंड एफर्ट करने की, क्योंकि हिमाचल बाकी सभी स्टेट्स की इंडस्ट्री है वो अच्छी मतलब फ्लोरिश हो रही है सही में, तो हिमाचल अभी कहीं पीछे है उस मामले में कि एक हमारी कंबाइंड एक इंडस्ट्री जिसको हम बोले यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे अगर हम सिर्फ लैंग्वेज पे बात करें तो जैसे हिमाचली है, डायलेक्ट काफी अलग अलग है, सिरमौरी लैंग्वेज है, चंबियाली है, वो सब चीजें अलग है। डेफिनेटली एक हमारा ये वाली जो फिल्म है ये हिंदी है, इसमें हम रीजनल, इसमें हम वो है वैसा कुछ नहीं कह सकते, बट हम ये जरूर बता सकते हैं कि हमारे हिमाचल के लोग हैं। मैं खुद हिमाचल से हूँ, पूरी टीम हिमाचल से, सोलन यहाँ से बिलोंग करती है, तो ये एक प्रॉमिस है आने वाले वक्त के लिए कि बहुत जल्द हम यहाँ पर एक ऐसा इंडस्ट्री क्रिएट करने जा रहे हैं जो कि सिर्फ नेशनल लेवल पर नहीं, जिसे हम इंटरनेशनल ग्लोबल मार्केट में भी हमारी एक जगह होगी, ग्लोबल एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में हम एक अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स डालेंगे, और जाहिर सी बात है ऐसे प्रयासों से हमारे वर्ल्ड मैप पर ज़रूर बहुत जल्द जो है हिमाचल का नाम
इस डिपार्टमेंट में भी होगा, इस एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में भी होने वाला है। जी बिल्कुल, और इस फिल्म का इतना अच्छा रिस्पांस मिला कि यूट्यूब पर आपको व्यूज एंड लाइक्स मिल रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, अप्रिशिएट किया जा रहा है। फेसबुक पर भी बहुत सारे कमेंट मैंने देखे और देखा, ऑब्जर्व किया। अगर बात करें हिमाचल की फिल्म इंडस्ट्री, आपने जैसे खुद भी कहा कि इसको अभी बहुत कुछ करना है, अभी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। जी हाँ बिल्कुल। आप अभी और क्या क्या देखते हैं, अभी क्या कुछ हो सकता है? देखिए यहाँ पे पोटेंशियल तो बहुत है हिमाचल में, और हम ये मानते हैं क्योंकि सिर्फ हम ही नहीं है जो यहाँ पे कर रहे हैं, हमारे जैसे बहुत अच्छे प्रोडक्शन हाउसेज हैं जो कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं हिमाचल की इंडस्ट्री में स्पेशली, तो यहाँ पे ज़रूरत है तो हम इस तरीके से देखते हैं। ज़रूरत बस वही है जैसे मैं पहले भी आपसे जिस पॉइंट पर मैं आपसे चर्चा कर रहा था कि हम एक कोलैबोरेट होकर एफर्ट्स हमें ज़रूर करने चाहिए, और जाहिर सी बात है हम उम्मीदें हमारी हिमाचल गवर्नमेंट से भी हैं क्योंकि हमारे पास बहुत अच्छे आइडियाज़ हैं ऐसे जो हमारी इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट कर सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से, तो हमारी उम्मीदें हमारे दर्शकों से, हमारे व्यूअर्स से, जो हमारे ऑडियंस से यही है, जो हमारे चाहने वाले उनसे यही है कि वो हमें इस मकसद के लिए वो सपोर्ट करें जी। ज्यादा से ज्यादा वो सपोर्ट करें, फिल्म एंथुजियास्ट जो हैं और जो अच्छा सिनेमा देखना पसंद करते हैं, तो हमारी उम्मीदें ये है कि हमारे किए गए प्रयास को वो पॉजिटिवली उस तरीके से पार्टिसिपेट करें, जो चीज़ें अच्छी लगती हैं उनके सजेशन हैं, जो करेक्शन हैं कुछ भी हैं वो हम तक पहुँचें, जाहिर सी बातें तो हम कर पाएंगे और हम उनकी आवाज़ बन के जो है हम इसको सिनेमा को एक स्तर पे लेके जाएंगे ताकि गवर्नमेंट हमें उस चीज़ में सपोर्ट करे, जाहिर सी बात है जी। तो हमारी एक्सपेक्टेशन यही है और हम यही देख रहे हैं इस तरीके से आगे कि हमारे जो प्रोजेक्ट्स आगे बने वो ऐसे बने जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा हम अपने साथ लोगों को जोड़ सकें। कमर्शियल प्रोजेक्ट्स भी हम करने वाले हैं जाहिर सी बात है, लेकिन हम आर्टिस्टिक प्रोजेक्ट्स भी लगातार करेंगे इन हाउस, जिससे कि हम आर्ट के सेगमेंट को जो है बिल्कुल डेफिनेटली हम एक क्वालिटी सिनेमा को हम जरूर दिखाएं सेम टाइम उसी तरीके से जी। माचिस है क्या तो एक साथ में आप काम कर ही रहे हैं, इसके बाद क्या आने वाला है? इसके बाद देखिए, इसके बाद वैसे काफ़ी चीज़ें हैं क्योंकि हम हमारी प्रोडक्शन जो है बहुत ही मोटिवेटेड है माचिस है क्या के बाद में, क्योंकि हम वहीं पर अवार्ड तो चलिए एक मोटिवेशन है, लेकिन उस दिन जिस दिन हमारी फिल्म स्क्रीन हुई शिमला, वहाँ पे जो एक्टिविटी हॉल है गेटी थिएटर का, जो वहाँ पे जब फिल्म स्क्रीन हुई हमारी तो काफ़ी लोग वहाँ पे थे, 500 के ऊपर वहाँ पे कैपेसिटी है वहाँ पे, तो काफ़ी अप्रिसिएशन मिला। तो उस समय जब मैं वहाँ बैठा था और हमारी टीम बैठी थी तो हमें बहुत अच्छा लग रहा था कि ये दर्शकों ने जो इसे पसंद किया सबसे बड़ा अवार्ड हमें वो मिल चुका है, तो अगर कुछ नहीं भी मिलता है फेस्टिवल में तो तुम वैसे भी खुश थे जी, लेकिन वो चलिए हमारे माचिस हैक्या के नाम पर लिखे गए थे दो अवार्ड किसे मिलने हैं तो जाहिर से बात है वो मिले। तो आगे हमारा अभी जो है हम प्लान कर रहे थे तो हम यही देख रहे हैं हमारे पास कुछ अच्छे सब्जेक्ट्स हैं शॉर्ट फिल्म्स के लिए, जैसे कि माची से क्या क्या रिस्पांस को देखते हुए और जो हमें प्रिसिशन मिली है, अगले प्रोजेक्ट हम जो बनाना चाहते हैं, हम एक शॉर्ट फिल्म पे हम काम कर रहे हैं इन हाउस जो हमारी होगी, अभी उसका हमने कुछ नाम तय नहीं किया है और हम इसके बारे में कुछ वैसे रिवील भी नहीं कर सकते जी। तो उस फिल्म पर हम काम करेंगे और ये फिल्म मैं इतना बता सकता हूँ हमारे लिसनर्स को जी कि ये फिल्म ऐसी होगी, आपसे मेरा और बृहद एंटरटेनमेंट्स का ये कमिटमेंट है कि जो थ्रिल और आपने एंटरटेनमेंट आपको माचिस है क्या से मिला है, मेरा आप सभी से वादा है कि इससे बहुत ही ऊपर की और बहुत ही डिफरेंट और बहुत नई चीज़ आपको देखने को मिलेगी, और वो एक ऐसी फिल्म होगी जिसे हम बिल्कुल इंडिया के साथ साथ वर्ल्ड ओवर हम अच्छे अच्छे फिल्म फेस्टिवल्स में उसे भेजें। मैं ये कह सकता हूँ कि अभी हम उस पर चर्चा नहीं कर सकते, लेकिन अगले आने वाले एपिसोड जरूर बिल्कुल खास मुलाकात में के अगले एपिसोड में जब आप आएंगे तो उसके बारे में हम चर्चा भी करेंगे जी बिल्कुल, और हम अपने श्रोताओं को उस बारे में बताएंगे भी। अब एक बात मुझे पता है कि आप बहुत अच्छा गाते भी हैं, तो एक आपकी गायकी का भी नमूना हम सुन लेते हैं जी। जी बिल्कुल, और आपके कम्युनिटी रेडियो में जब आखिरी बार लास्ट टाइम जब आपसे मुलाकात हुई थी तब भी इसी पर हमारी बात हुई थी और चलिए बिल्कुल श्योर, तो कुछ लाइनें हैं जो मैं हमारे लिसनर्स के लिए मैं गाना चाहूँगा जी। चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। रोते हंसते बस यूं ही तुम, गुनगुनाते रहना, कभी अलविदा ना कहना,
कभी अलविदा ना कहना। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा आपने गाया और हमें मंत्रमुग्ध किया, उसके लिए धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। सर अब मैं ये प्रश्न पूछना चाहूंगा आपसे कि 90.4 एफएम के लिसनर्स के लिए कोई संदेश देना चाहेंगे तो। जी बिल्कुल, मैं हमारी वृहत एंटरटेनमेंट्स की तरफ से, हमारी होम प्रोडक्शन की तरफ से, मैं जो हमारे लिसनर्स हैं उनको सबको ये बताना चाहूँगा कि हमारी जो फिल्म प्रोडक्शन है यहाँ पे, और ये हमारा मकसद भी वही है कि हिमाचल की एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को हम यहाँ पे जो हैं हम एक बनने में सहयोग करें, जाहिर सी बात है जैसे कि काफ़ी लोग कर रहे हैं। तो ये कहना चाहूँगा हमारे लिसनर्स को कि सभी का वेलकम है यहाँ पे, जो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी की तलाश में है, आई मीन अगर वो किसी भी फील्ड से हैं, अगर वो बिहाइंड द कैमरा कुछ करते हैं सिनेमाटोग्राफी में जिसका इंटरेस्ट है, या कोई एडिटर है, या कोई कुछ भी स्ट्रीम में जिस भी तरीके से हैं, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि वो हम जुड़ें साथ में, ठीक है, एक नेटवर्क हमारा इस तरीके से बने ताकि अगर कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी है जो, या हमारी प्रोडक्शन के पास हो सकती है जो कि किसी कोई ढूंढ रहा हो मार्केट में कि इस तरीके से जुड़ना चाहिए, तो मैं वही कहना चाहूँगा कि जो भी किसी भी तरीके से इस फिल्म इंडस्ट्री का हिस्सा है और यहाँ पे चाहता है कि एक अच्छी टीम हो, तो हमारा प्रोडक्शन की तरफ से वेलकम है, और वो आएँ और हमारे साथ जुड़ सकते हैं, और ताकि मिलकर जो है हमारी इंडस्ट्री के लिए हम कुछ करें और आर्ट के लिए हम उस लाइफ में टाइम कुछ हम अच्छा करें। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं हमारी आपके लिए, और बृहत एंटरटेनमेंट दिन दुगनी और रात चौगुनी तरक्की करें। थैंक यू सो मच। और आपकी जो फिल्म है माचिस है क्या, उसको भी कामयाबी मिलती रहे, और हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है सर। सर आप 90.4 एफएम पर आए और अपना समय दिया, उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। तो दोस्तों, ये थे हमारे साथ आज सुशील मेहता। अगले हफ्ते मैं लेकर आऊँगा आपके लिए किसी खास शख्सियत को, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।